सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टार बोर्न गेमिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहें। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP40 के ऊपर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको MP40 की टॉप 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करके आप ना MP40 को एकदम सही तरीके से चला पाओगे, ठीक है। तो गाइज, आपने देखा होगा जब भी आप MP40 को चलाते हो तो कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई MP40 कतई जहर गन है। जब आप चलाते हो तो भाई डैमेज भी बहुत ही सही पड़ता है एनिमी को और उसको हेडशॉट भी अच्छे खासे लगते हैं और आप सोचते हो भाई कतई जहर गन है, ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है। और कभी कभी क्या होता है भाई, जब आप ना किसी एनिमी को मारते हो तो भाई उसको डैमेज भी 8-7 मतलब बहुत ही कम डैमेज पड़ता है और यार उसको हेडशॉट भी नहीं लग पाते, तो उस टाइम पे आपको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई क्या घटिया गन है यार MP40। तो यार ऐसा क्यों होता है वो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। यार वीडियो को एंड तक देखना, और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना भाई, लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करते हो तो भाई उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए गाइस, एक छोटे से इंट्रो के बाद मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, जो हमारी टिप नंबर 1 है अटैचमेंट। तो गाइज, आपके पास हमेशा लेवल 3 के अटैचमेंट होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो MP40 के अंदर 3 तरह के अटैचमेंट लगते हैं, फोरग्रिप या बायपॉड, मैगजीन और स्टॉक। तो यार आपको MP40 के अंदर बायपॉड यूज़ करना चाहिए या फिर फोरग्रिप यूज़ करनी चाहिए, वो भी बताऊँगा। अगर गाइज आपके पास कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा तो भाई आपकी MP40 एकदम घटिया तरीके से चलेगी और आपको वहाँ पर यही फीलिंग आएगी कि क्या घटिया गन है MP40, ठीक है। तो आपके पास हमेशा लेवल 3 के अटैचमेंट होने चाहिए। आपको ना मैगजीन लगानी है MP40 के अंदर। मैगजीन लगाने से क्या होगा, आप ना MP40 के अंदर ज़्यादा गोलियां रख पाओगे, जिससे कि आप एनिमी के ऊपर ज़्यादा देर तक स्प्रे कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्टॉक। तो भाई आपको ना स्टॉक भी लेवल 3 का लगा के रखना है। स्टॉक का क्या काम होता है भाई, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्टॉक आपके MP40 की स्टेबिलिटी और मूवमेंट स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो भाई आप आसान तरीके से एनिमी के ऊपर एम करके उसको डैमेज दे पाओगे, और मूवमेंट स्पीड की वजह से आप एनिमी को ड्रैग हेडशॉट बहुत ही आसानी से मार पाओगे। अगर आपके पास स्टॉक लेवल 3 का या फिर कोई कुछ भी नहीं होगा तो भाई उसको ड्रैग हेडशॉट मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा लेवल 3 का स्टॉक रखना ही अपने पास। सो गाइज, अभी बात आती है कि आपको MP40 के अंदर बायपॉड यूज़ करना चाहिए या फिर फोरग्रिप। तो यार कुछ प्लेयर्स का मानना है कि MP40 के अंदर बायपॉड सही रहेगा, और यार उनके पास जब लेवल 3 की फोरग्रिप भी होती है और जब उनको बायपॉड मिल जाता है तो यार वो फोरग्रिप को निकाल के बायपॉड को लगा लेते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि फोरग्रिप का क्या काम है और बायपॉड का क्या काम है। तो भाई फोरग्रिप का ये काम है MP40 के रिकॉइल को कम कर देती है, और बायपॉड का भी सेम यही काम है, MP40 के रिकॉइल को कम कर देता है। बट गाइज, बायपॉड तब काम आता है जब आप ना बैठ के या फिर लेट के MP40 को चलाते हो। बैठ के या लेट के आप MP40 को चलाते हो तब वो MP40 के रिकॉइल को कम करता है, ठीक है। और आप खुद सोचो, MP40 को आप बैठ के चलाते हो या फिर लेट के चलाते हो? नहीं ना, आप ना MP40 को खड़े होके चलाते हो या फिर जंप करके चलाते हो, तो भाई वहाँ पे आपकी फोरग्रिप ही काम आती है, वो MP40 के रिकॉइल को कम कर देती है, और बायपॉड उस टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं आता है। अगर आप खड़े होके MP40 को चला रहे हो तो भाई बायपॉड वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो आपको हमेशा लेवल 3 की फोरग्रिप लगानी है, ना कि बायपॉड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर टिप की। सो गाइज, जो हमारी टिप नंबर 2 है डिस्टेंस। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो तो भाई आप बहुत बार मर जाते हो, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही आपने एनिमी को देखा, मतलब उसने ग्लू वॉल लगा रखी है, तो आप सीधा MP40 को लेके उसके ऊपर कूद जाते हो, मतलब बिल्कुल क्लोज में चले जाते हो। तो वहाँ पर MP40 एकदम काम सही से काम नहीं करती है, क्योंकि भाई MP40 एक मिड रेंज की गन है। MP40 ना तो एक लॉन्ग रेंज की गन है ना एक क्लोज रेंज की गन है, MP40 एक मिड रेंज की गन है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल एनिमी के पास चले जाओगे तो भाई वहाँ से आप MP40 को एकदम सही से नहीं चला पाओगे। तो आपको हमेशा मिड रेंज में रहना है, जब तक आप उसको थोड़ा हाथ डैमेज ना दे दो। जब डैमेज दे दो तब तो आप रस मार सकते हो, बट उससे पहले आपको बिल्कुल भी रस नहीं मारना है। आपको हमेशा एनिमी से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि आपके पास MP40 है और MP40 मिड रेंज में सबसे अच्छे से वर्क करती है। अगर आप क्लोज में जाओगे तो भाई एकदम सही से वर्क नहीं करेगी MP40, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग रेंज में जाओगे तो वहाँ से डैमेज बहुत कम पड़ेगा एनिमी को। तो आपको हमेशा मिड रेंज में रह के ही एनिमी को मारने की ट्राई करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं हर बार एनिमी से दूरी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास MP40 है, ठीक है।
और गाइज आप जब ना मिड रेंज में रह के MP40 का यूज करते हो तो आप ना ड्रैग हेडशॉट बहुत ही आसानी से मार पाते हो, ठीक है। जब उसको हेडशॉट पड़ेगा तब आप रस मार सकते हो, उससे पहले आपको बिल्कुल भी रस नहीं मारना है, आपको अपनी जगह पे ही रहना है, मतलब एनिमी से दूरी बना के रखनी है, हमेशा मिड रेंज में ही रहना है, ठीक है। तो गाइज ये हो गई हमारी सेकेंड नंबर टिप, अभी बात कर लेते हैं थर्ड नंबर टिप की। तो गाइज जो हमारी थर्ड नंबर टिप है, यूज MP40 विदाउट रिकॉइल। तो भाई आप MP40 को बिना रिकॉइल किए किस तरह से चला सकते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मान लो ये जो पेड़ है ये एक एनिमी है, ठीक है। आप ना किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो ना, तो आपका जो एम होता है वो इस तरह से बड़ा होता रहता है, ठीक है। मतलब जब आपका एम बड़ा होगा तो भाई आपकी MP40 रिकॉइल करने लग जाएगी, मतलब आपकी जो गोलियाँ होंगी ना MP40 की वो इधर उधर निकलेगी, वो एनिमी को सही से नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब एनिमी के ऊपर नहीं लगेगी, वो एनिमी के चारों तरफ से निकल जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक बार सीटअप करना है, इस तरह से बैठना है, उसके बाद फिर खड़े होकर फिर से MP40 से स्प्रे करना है, ठीक है। या फिर अपने एम को हटा के एनिमी के ऊपर दोबारा से करके फायर करना है, ठीक है। इससे आप अपनी MP40 को रिकॉइल से बचा सकते हो, मतलब आपकी MP40 रिकॉइल नहीं करेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे सामने एक एनिमी है, ठीक है, और मैंने इसको डैमेज दिया, और मेरी जैसे ही मेरा एम बड़ा होने लगा तो मैंने अपने एम को हटा के दोबारा से एनिमी के ऊपर करके इसको मार दिया, ठीक है। या फिर आप बैठ के और खड़े होके दोबारा से अपने MP40 से फायर कर सकते हो, इससे आपके MP40 रिकॉइल नहीं करेगी, मतलब आपका एम बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी टिप्स थी, अभी बात कर लेते हैं फोर नंबर टिप की। तो गाइस जो हमारी टिप नंबर फोर है, हेडशॉट। तो भाई आप MP40 से किस तरह से हेडशॉट मार सकते हो, तो भाई आप ना MP40 से दो तरीकों से हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट नंबर तरीका है वो है ड्रैग हेडशॉट। इसके बारे में शायद आपको पता भी होगा कि ड्रैग हेडशॉट किस तरह से मारा जाता है, बट मैं फिर भी आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई ड्रैग हेडशॉट मिड रेंज में ही लिया जाता है, और MP40 हमारी मिड रेंज की ही गन है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने एनिमी के ऊपर एम किया, और जो हमारा राइट फायर बटन था मैंने ऊपर की तरफ इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। और ड्रैग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका ये मूविंग वाला बटन है ना, इसको छोड़ देना है ड्रैग करते टाइम। उससे पहले आप कुछ मर्जी करो, उसके बाद भी कर सकते हो, बट जिस टाइम ड्रैग कर रहे हो ना उस टाइम आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है, और अपने राइट फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। तो गाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हो मेरे सामने एनिमी है, और मैं अपने एम को एनिमी के ऊपर करूँगा और अपने राइट फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा, और जो मेरा मूविंग बटन है मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। ऐसा करने से ही एनिमी को बहुत ही आसान तरीके से ड्रैग हेडशॉट लग जाएगा। तो गाइस जो हमारा दूसरा तरीका है वो है जंप हेडशॉट। मैं इसका हमेशा यूज़ करता हूँ, तो टाइम टाइम पे यूज़ करता हूँ, हर बार यूज़ नहीं करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जंप किया और एकदम से एनिमी के हेड के ऊपर एम करके उसको हेडशॉट मार दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं जंप हेडशॉट। जंप किया और एकदम से एनिमी के ऊपर एम कर दिया, मतलब उसके हेड की तरफ एम को लेके चला गया और अपने राइट फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया एकदम से, ठीक है। अपने एम को एनिमी के हेड पे लेके गया और अपने राइट फायर बटन को एकदम ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया जंप करने के बाद, ठीक है। तो इससे एनिमी को एकदम से हेडशॉट लग जाता है। तो आप भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस मेरे सामने एक एनिमी था, मैंने जंप किया और एकदम से उसके हेड की तरफ एम करके राइट फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको जंप हेडशॉट बोलता हूँ। आप भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हो, मतलब टाइम टाइम पे यूज़ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरे पास कवर है, तो अभी मैं जंप करके नहीं करूँगा, मैं एकदम से खड़े होकर अपने फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। अभी मेरे पास यहाँ पर भी कवर है, तो मैं यहाँ पर भी एकदम से खड़े होकर आराम से ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। इसको बोलते हैं ड्रैग हेडशॉट। तो आपको इस टाइम पर ड्रैग हेडशॉट का यूज़ करना है, और अगर आप खुले में या फिर एकदम से कोई एनिमी आ जाता है तो एकदम से आपको जंप करके अपने एम को एनिमी के हेड की तरफ करना है, और एकदम से अपने राइट फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। तो उसको बोलते हैं जंप हेडशॉट। तो आप इन दो तरीकों से हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइस जो हमारी टिप नंबर 5 है, यूज MP40 विदाउट फियर। तो भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी टिप है। अभी आप बोलोगे कि भाई ये क्या टिप हुई, तो भाई ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गाइस आप ना कभी किसी नूब के साथ खेलना और MP40 के साथ उसको मारना, तो भाई उसको डैमेज भी अच्छा पड़ेगा और आप उसको हेडशॉट भी बहुत ही आसानी से मार पाओगे, मतलब जिसको कम खेलना आता है। और वहीं पे अगर कोई प्रो प्लेयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलने वाला प्लेयर आपके सामने आ जाए, तो भाई वहाँ पर आप MP40 का एकदम सही से यूज़ नहीं कर पाते हो, मतलब MP40 से डैमेज भी बहुत कम पड़ता है एनिमी को, और उसको हेडशॉट भी नहीं लग पाते, क्योंकि भाई आप वहाँ पर डर जाते हो, और डरने की वजह से आप ना ड्रैग हेडशॉट, मतलब आपका जो राइट फायर बटन होता है उसको एकदम अच्छे से ड्रैग नहीं करते हो, ठीक है। डरने की वजह से आप एकदम से उसको दबाते ही रहते हो, जिसकी वजह से उसको हेडशॉट भी नहीं लगता है, और ना उसको अच्छा डैमेज पड़ता है, वहाँ पर वो एनिमी आपको मार के
चला जाता है। तभी बोल रहा हूँ गाइज आपको MP40 को बिना डरे हुए यूज़ करना है। एक बार आपने बिना डरे हुए मतलब इसको MP40 को यूज़ करके देखना, तब आपकी MP40 एकदम बहुत ही सही चलेगी, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी टिप 5, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो यार वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय YouTube फैमिली। Chance concealing, but deep down I felt for you.